वेल, बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर और बॉबी देओल की फिल्म एनिमल इन दिनों काफी चर्चा में है। फिल्म की कमाई से लेकर और सीन्स तक हर किसी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। वही फिल्म एनिमल के रिलीज होने के बाद सब एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी का नाम अब ज्यादा सुर्खियों में आ गया है। तृप्ति डिमरी को लेकर अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के बारे में उनसे बातचीत की गई थी। लेकिन इन सब के बाद अब तृप्ति डिमरी का एक इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है। दरअसल फिल्म में तृप्ति डिमरी ने रणबीर कपूर के साथ एक रोमांटिक सीन किया था। अब इस रोमांटिक सीन पर तृप्ति डिमरी के पेरेंट्स का रिएक्शन सामने आया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि उनके पेरेंट्स ने क्या रिएक्ट किया है, पर उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वॉचिंग बोल्ड स्काई। देखिए, रणबीर कपूर, अनिल कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल में तृप्ति डिमरी का छोटा मगर दमदार रोल था। इस फिल्म के दौरान तृप्ति डिमरी ने रणबीर कपूर संग रोमांटिक सीन दिया था। इस सीन ने इंटरनेट पर तहलका ही मचा दिया था। इस रोमांटिक सीन को देखने के बाद एक्ट्रेस के पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था, वो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया है। जी हाँ, तृप्ति डिमरी ने इंटरव्यू में बताया कि इस सीन को देखने के बाद उसके पेरेंट्स शॉक हो गए थे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पेरेंट्स ने कभी भी ऐसा कुछ फिल्मों में नहीं देखा है। उन रोमांटिक सीन्स को देखने के बाद घर वालों को नॉर्मल होने में टाइम लगा था। लेकिन इतना ही नहीं, तृप्ति डिमरी के पेरेंट्स ने तृप्ति को फटकार भी लगाई थी और ये भी कहा था कि तुम्हें ऐसा सीन्स नहीं करने चाहिए। लेकिन जिसके बाद एक्ट्रेस ने सफाई देते हुए अपने पेरेंट्स से कहा था कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ, ये मेरा काम है। वैसे बॉबी देओल और रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल के सीन्स के साथ साथ कमाई की भी चर्चा चल रही है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनिमल ने 11वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही है बोल्ड स्काई के साथ। नमस्कार।